किसी भी राजा का सेनापति अगर शराबी होंगे तो उसका राज चल सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा महाराज। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं शराबी नहीं? इसका मतलब आप चोर हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरे के बारे में कह रहा हूं, आप अपनों पे ले रहे हैं। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, बताइए। ना जाने आज कई दिनों से आप कलाली में क्या करते थे महाराज, लेकिन मैं दारू शराब नहीं पीता हूँ। मेरा शिकायत कौन किया है? कौन कर सकता है तुम्हारा शिकायत? अपना वफादार पचकौड़िया पूछिए। पचकौड़िया, क्या तुम मेरा शिकायत महाराज के पास किया है कि मैं दारू शराब पीता हूँ? मैं नहीं पीता हूँ, तो फिर शिकायत कैसे कर दिया? किए थे, कहाँ पर देखा? क्या बक रहा है तू? देखे थे, क्या देखा था? पीते हुए। सेनापति सुन रहे हैं इधर, क्या सब देखा? चल बोल, पासी खाना में क्या देखा? चार पाई लगे हुए थे। एक चार पाई लगी थी, पसीबा था, एक बगल पसीबा था, अच्छा एक बगल पसीना था। अरे मार के तारी मिला के, तारी में, अच्छा तारी मिला के गिलास में मार मार के दे रहा था, पी रहा था। तू देखा था? और पीते हुए नहीं देखा था, तो बैठे हुए देखा था। जब तू पीते हुए नहीं देखा तो शिकायत कैसे किया? मैं था। लेकिन वहाँ आप क्या कर रहे थे? मैं पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए गया था। मानता हूँ कि दाएं तरफ पसीबा और बाएं तरफ पसीनिया एक चारपाई पर बैठी हुई थी। उसी वक्त चार गिलास में था, एक लबनी में तारी था, लेकिन मुझे पीते हुए इसने देखा था या नहीं? देखा था। तो फिर मैं कैसे पीना शुरू कर दिया? पता नहीं किसको मार खिला देगा, कहां क्या बक देगा। उल्लू के पट्टे। सेनापति जी महाराज, मैं पचकौड़िया के कहने से मैं गुस्से में आ गया था, इसीलिए मैं आपको नौजवान शब्द कहें, आपके ऊपर हाथ उठाएं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। महाराज, जो कुछ भी हो उसे भूल जाइए और आपका इजाजत हो मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ। सेनापति जी महाराज, आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे होशियार हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज जिस दिन से महारानी संसार से गुजर गई है, ना जाने शंकर सुशीला भी अपनी माँ के लिए अपने आंख से आंसू बहाता है, और जब जब मैं भी दरबार में आता हूँ तो मेरा दिल उदास लगता है। मेरा मन करता है कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल को जाऊंगा, जब मैं जानवर के पीछे भागूंगा तो हो सकता है महारानी की ख्याल मेरे दिल से निकल जाए, मैं भी इस बात को भूल जाऊं। महाराज, इस वक्त अगर आप शिकार खेलने जाएंगे, इससे पहले आप शंकर सुशीला से इजाजत ले लीजिए, उसके बाद खुद जाइएगा शिकार खेलने के लिए। आप ऐसा कीजिए, इसी समय शंकर और सुशीला को बुला करके दरबार में ले आइए, और मैं आप लोग का इंतजार करता हूँ। जो आज्ञा महाराज, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठिए, मैं इसी पर शंकर और सुशीला को ले आता हूँ। अजला
जो कुछ भी हुआ तुम्हारे चलते हुआ, हमला चलते कुछ न हुआ। तुमको मालूम होगा कि मैं धरान गया था चश्मा लाने के लिए, मेरा यहाँ खराब नहीं है। लेकिन चश्मा पहना है, आँख का पर्दा है, पर्दा आँख का पर्दा है, हमें के लिए पर्दा की आँख है। गोरे गोरे मुखरे पे, गोरे गोरे मुखरे पे गोरे मोरे चश्मा। अभी तुम्हारे चलते मैं दरबार में मार खाया हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कितना इज्जतदार आदमी हूँ? इज्जतदार? हाँ, किसका नौकरी मैं करता हूँ? दादी की इज्जत। मेरे इज्जत के बारे में, मेरे बात के बारे में अभी तक तुमको पता नहीं। तुम पहले मेरे शक्ल देखो। किसको गाली दे रहे हो? मैं कर ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। मेरा रूप देखो, लेकिन इस कोड़ा का बदला मैं अवश्य लूंगा। कैसे कैसे? तुमको 3 टका का कौड़ी का नौकर के लायक नहीं है, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए, तुम तो मार खाने वाला बिना लोटा का पेना है, बिना पेना का लोटा। हम बिना मार खाने नहीं चाहिए, जब तक मार नहीं खाए भाग हम नहीं मोटे भाग। लेकिन मार खाए चाहिए तब हम मोटावे। हम मार खाने वाले में से नहीं है। तब तूने मुझे मार खिलाया महाराज, खिलाया, लेकिन इसका बदला ये केक कोरे का हिसाब लूंगा महाराज। वो कैसे? कैसे? एक मिनट, एक मिनट में रंगदारी में कम नहीं हूँ। आप रंगदार हैं? औकात है, औकात है मेरे पास। क्या है औकात? यही है कि जो भी हम सवाल करेंगे दोनों आदमी जानेंगे। ओ, सिर्फ दो आदमी? दो आदमी, उससे फाजिल कोई नहीं? उसके फाजिल उसका बाप दादा बेटा पता नहीं जान पाएगा। ऐसा कौन सा सवाल है? सवाल यही है कि शंकर सुशीला को बुलाने के लिए भेजा है महाराज। शंकर सुशीला को बुलाएंगे, उसी वक्त उल्टा पुल्टा पढ़ा देंगे, महाराज को इजाजत देंगे जंगल शिकार खेलने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा उसको नहीं नहीं दे दो, नहीं नहीं दे दो इजाजत जंगल जाने का। कहीं पिताजी चला जाएगा, माँ तो बचपन में मर गई है, मर गई है, कहीं बापू मरी तो भैंसवा के चक्कर में, भैंसवा के चक्कर में ना, भैंसवा के चक्कर में, बाघ के चक्कर में, जानवर ने मुरी मोचारी तो दोनों बेटा बेटी जहनो तहने रही। उसे रोकना है, रोकिए तुम्हें। अच्छा नहीं रुकता है, कहे की शंकर के लिए हीरा मन तोता और सुशीला के लिए लाल मुर्गा चाहिए। लाल मुर्गा, मुर्गा ढेर मंगवा दे। चुप चुप, मुर्गा न मिर्गा। वाह वाह वाह, जल्दी बोला शंकर सुशीला। ठीक है ठीक है। भाई शंकर, भाई सुशीला, या 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 भाई शंकर, हम महामंत्री आइए, मंत्री सिपाही सेना के प्रति। आज तुम दोनों भाई बहन को तुम्हारे पिताजी बुलाए हैं, बुलाए हैं। मन ओकरा व्याकुल भागलो रहते रहते घर।